दोस्तों मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, आप सबको पता होगा कि अभी इसरो ने एक नया मतलब चंद्रयान 3 सैटेलाइट भेजा है चांद पे, तो उसी विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य आपके सामने लेके आ रहा हूँ। भारत का ये तीसरा चंद्र मिशन है और जिसको चंद्रयान 3 का नाम दिया गया है, जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। दिन के लगभग 2:35 पे श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये इसको लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च बिल्कुल सफल रहा है। अभी लॉन्च की सफलता बिल्कुल सटीक है और ये अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया है सफलतापूर्वक। तो चंद्रयान 3 को बेसिकली एक लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। उस लॉन्च व्हीकल का नाम मार्क 3 है और मार्क 3 एक रॉकेट है। बेसिकली मार्क 3 को हम लोग LBM 3 के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत स्ट्रांग रॉकेट है, बहुत मजबूत रॉकेट है। मार्क 3 की विशेषता है कि ये पूर्णतः स्वदेशी है, बिल्कुल अपने देश में बनाया है और इसका निर्माण इसरो ने किया है। यह बहुत ही भारी भरकम सैटेलाइट भी अपने साथ कैरी कर सकता है, यह इसकी एक विशेषता है। और चंद्रयान 3 देखिए, बेसिकली 6 पेलोड्स को अपने साथ लेके जा रहा है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है लैंडर है, रोवर है और प्रोपलोसीन मॉड्यूल भी इसमें शामिल है। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और बड़े ही गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मिशन का जो नेतृत्व कर रही है वो एक महिला है जिनका नाम रितु करिदल श्रीवास्तव है। और रितु जी को बेसिकली रॉकेट वुमन के नाम से भी जाना जाता है फैटर्निटी में। तो रितु करिदल इट्स वेरी ब्रेव लेडी और वो बेसिकली स्पेस साइंटिस्ट है इसरो की और उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपना एजुकेशन जो है, अपनी MSc फिजिक्स भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। और चंद्रयान 3 जो है पूर्णतः अनमैंड बेसिकली मिशन है और जिसका जिसमें कोई बंदा नहीं जा रहा, सिर्फ हमारा चंद्रयान जा रहा है और जिसका उद्देश्य ही है कि वहां पे बिल्कुल सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग करना। तो ये चंद्रयान 3 बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए। चंद्रयान 3 मिशन जो है, इसका मतलब कुछ मुख्य उद्देश्य इस मिशन का है। पहला तो यही है कि सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा है रोवर ऑपरेशन जो कंडक्ट किया जाएगा वहां पे वो बहुत सक्सेसफुली हो जाना चाहिए। और जो है लूनर सरफेस पे कुछ ऑन साइट एक्सपेरिमेंट भी करना है, तो वो भी करने का है। तो ये 3 मेन उद्देश्य है इस मिशन का। और चंद्रयान 3 का जो मेन मकसद है, मुख्य मकसद है कि मून के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। अब आप सोच रहे हो ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है। बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है कि इसमें अंतरिक्ष यान की गति अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है और ये धीरे से चांद की सतह पे उतर जाता है सफलतापूर्वक। इसी को हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं। और एक होता है हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में क्या होता है कि चांद की सतह पे ये तेजी से उतरता है और इससे क्या होता है, सैटेलाइट जो होता है, यान जो होता है वो क्रैश हो जाता है और क्रैश होने के बाद वो ध्वस्त हो जाता है, बर्बाद होता है, जैसा कि पिछले मिशन चंद्रयान 2 में हुआ था। तो इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस मिशन की सफलता के लिए। और आपको ये बताओ कि दक्षिणी ध्रुव वो खास जगह है जहां आज तक कोई भी कंट्री नहीं पहुंच पाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इस मिशन में कामयाब हो और यहाँ पे अपना परचम लगा रहे हैं। चांद 3 या चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अगर वहां सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी और भारत
दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो कि दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेगा और अपना परचम लहराएगा। और ऐसी संभावना है कि चंद्रयान 3 जो मून पर 23 या 24 अगस्त को लैंड करेगा और वहाँ लगभग 14 दिन वहाँ पे वो रहेगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। अब मैं आपको कुछ तथ्यों पे प्रकाश डालता हूँ कि लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है। इन कॉमन चीज़ों की जानकारी लोगों को नहीं, बेसिकली कॉमन चीज़ तो नहीं है बट इसकी जानकारी सबको होती नहीं है। तो लैंडर, बेसिकली लैंडर जो है उसका नाम विक्रम लैंडर है, और विक्रम लैंडर उसका नाम क्यों रखा गया है ये भी एक बहुत दिलचस्प वाक्य है। विक्रम लैंडर बेसिकली हमारे एक स्पेस साइंटिस्ट थे, विक्रम साराभाई, जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, इंडिया इंडिया को बहुत आगे लेके गए, उन्हीं के नाम पे ये इस लैंडर का नाम रखा गया है, विक्रम लैंडर। लैंडर क्या होता है, एक सेल की तरह होता है जिसके अंदर रोवर होता है। रोवर बेसिकली बहुत सुरक्षित होता है, और ये जो लैंडर है, लैंडर इट इज अ बेसिकली लाइट वेट, मतलब आप ये कहिए कि ये भी एक सैटेलाइट है, एक लॉन्च व्हीकल है जो कि रोवर को लेके जाता है मून पे, और ये काफी मजबूत होता है और काफी लाइट वेट होता है, और इसका जो आप जो शेप होता है वो पिरामिड की तरह होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लैंडर का मुख्य काम होता है कि रोवर को सुरक्षित रखना, और रोवर को सुरक्षित रखते हुए मून पे उसको लैंड करवाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और लैंड भी हो, सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए कि स्मूथ लैंडिंग होनी चाहिए। और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर है। इसमें लगभग 6 पहिए लगे हैं जिसका वजन लगभग 27 किलो का है, और इस रोवर पर इसरो और भारत का नेशनल एम्बलम भी लगा हुआ है, इसरो का लोगो लगा हुआ है और भारत का नेशनल एम्बलम लगा हुआ है। रोवर का उद्देश्य है कि चांद की सतह पर चलना और वहां से जो भी उनको डेटा मिलता है उसको इकट्ठा करके धरती पे भेजना, इसरो को भेजना बेसिकली। और मून पर लैंडिंग होते ही रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा, और चांद पर जो सक्रिय रहेगा एक लूनर डे के बराबर। एक लूनर डे क्या होता है, लूनर डे बेसिकली चांद का एक दिन और हमारे धरती का 14 दिन के बराबर होता है, तो एक लूनर डे यानी कि धरती का 14 दिन, 14 दिवस। और रोवर जो है सारी इंफॉर्मेशन वहां से इकट्ठा करेगा। तो अभी तक मून पर जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है वो सिर्फ 3 देशों का हुआ है, वो है रसिया, अमेरिका और चाइना। अगर इंडिया ऐसा करने में सक्षम हो जाता है तो इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे चिरंजीवी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, काफी डेवलपमेंट कर रहा है हर एक क्षेत्र में, और ये हमारे लिए एक बहुत महान उपलब्धि होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस लॉन्च पे क्या कहा वो भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आपको पता है कि फ्रांस की यात्रा पे है, तो उस यात्रा के दौरान उन्होंने ट्वीट करके हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं उनको काफी बधाई दी, और उन्होंने कहा कि लॉन्च जब हो गया उसके बाद उन्होंने बोला, ये भारत के हर व्यक्तित्व के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर ले जाते हुए ऊंचाइयों को छू रहा है, यानी कि ये जितना ऊपर जा रहा है उतना ही हमारा सर फक्र से ऊंचा हो जाता है और हम आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। और यह महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण और अथक प्रयास और अथक मेहनत से हुआ है, इसलिए उन्होंने उनको उनके उत्साह और उनके प्रतिभा के लिए सलाम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि 23-24 अगस्त को हमारा जो ये मिशन है, चंद्रयान मिशन 3 है, ये सक्सेसफुल होगा और ये बहुत सटीक तरीके से वहां लैंड करेगा और हम वहां पे तिरंगा लहराएंगे। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपना ये वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
थैंक यू सो मच।